थोड़ी लोभ, थोड़ी लालच, थोड़ी अज्ञानता की वजह से आपका हर परिवार, समाज सब बर्बाद हो गया और हो रहा है दोनों पर। तो मेरा आपसे एकदम आग्रह है कि इस अभियान में आप हमारा सहयोग दें, अपने वार्ड को देखें, आप अपने प्रतिनिधिगण के माध्यम से हमको खबर करवाएं, हम लोग आगे भी कार्यक्रम करेंगे। प्रणाम सर, मेरे यहाँ गाँव इलेक्शन ले लिया है। ठीक है, अभी हम पूछते हैं तो आप लोग हमारी बात से सहमत है ना? शराबबंदी के पक्ष में है? सारे लोग शराबबंदी के पक्ष में है? अब कोई शिकायत गांव से नहीं आनी चाहिए। हाथ ऊपर रहे, हाथ ऊपर रहे सब लोग। हम लोग यहाँ ये बोल रही है कि इस कानून के पक्ष में, शराबबंदी के पक्ष में हम सब है। अब कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए गांव से, गांव में शराब नहीं बनना चाहिए। जोर से बोलिए, नहीं बनना चाहिए, कोई नहीं पिएगा, कोई नहीं बेचेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी खबर जो है गाँव का लोग सामाजिक बहिष्कार करे, पुलिस कानूनी कार्रवाई करे और तब जाके जागरूकता अभियान के साथ साथ पुलिसिया कार्रवाई से हम लोग पूरी तरह इस पे काबू पा सकते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। आप लोग भी सहयोग दीजिएगा, आप लोग भी सहयोग। भाई हमारे महात्मा क्या कर रहे थे, उनका थॉट था हमारे समाज में शराब नहीं होगा, जब कभी देश आजाद होगा हम अपने संविधान में यह व्यवस्था। बिहार कोई अकेला प्रांत नहीं है जहां शराब बंदी लागू, बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे स्टेट। कुछ लोग कहते हैं कि और जगह इतनी सख्ती नहीं है, बिहार में क्यों? बिहार में इसलिए कि हम तो सामाजिक आर्थिक रूप से जो है बहुत पीछे, हमको उनके बनिस्पत, उनके जगह पे खड़ा होने के लिए सख्ती जरूरी। हेलो, क्या सुन रहे? महात्मा गांधी ने कहा आर्थिक रूप से ही क्षति नहीं पहुंचा, आपके दिमाग पकड़ लेते हैं, आपको हैवान बना देते, बहुत सारे पियक्कड़ हो गए नहीं करते हैं कौन। आप लोग ये काम छोड़, ये काम छोड़ दिए जबकि यही आवश्यक था, यही आवश्यक। शौक नहीं है, हमको भी शौक नहीं है कि 50 ML दारू के लिए 12 बजे रात को आपके दरवाजा खटखटाए। आपकी आपकी प्रतिष्ठा का हनन है, वो आप तो अपने ऑनर पे लेते हैं। छोटा छोटा बच्चा जो है लिफ्ट है, कोई ले जा रहा है, कोई छिपा रहा है। कल हमारे यहाँ एक तो गाड़ी पकड़ाया, सीट के नीचे दारू रखा, उसके पीछे बैठा वाले लड़के का उम्र 12 और 13 वर्ष है। क्या दे रहे हैं आप अपनी पीढ़ी को, कहाँ ले जा रहे हैं वो? वो कहीं के लायक रहा? शराब का केस उस पर हो गया, ना उसका कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनना है, ना उसका पासपोर्ट बनना है, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन उसका नहीं होने जा रहा। कहाँ ले जा रहे हैं आप? छोटा 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 लोग पत्र है उसे, थाना का उल्लंघन करता है, उस हिसाब से कार्रवाई होती है। जैसे कि कोई शराब पीता है तो 37 BC में भी हम लोग जो है जेल भेजते हैं, चार्जशीट करते हैं। जो शराब रखता है 30A में, और इसी तरह बहुत सारे सेक्शन से धाराएं हैं जिसमें अलग अलग सजा का प्रावधान है। शराब की ना लोग लिए शराबबंदी को सफल बनाए, और क्या कुछ किया जा रहा है? हाँ जी, ये मुफस्सिल थाने क्षेत्र से शराबबंदी कानून के बारे में लोगों को क्षेत्र में घूम घूम के जागरूक करने के साथ साथ कानून के बारे में बताया भी जा रहा है। हमें लगा, खासकर मुफस्सिल थाने क्षेत्र में कई ऐसे पॉकेट हैं, निरक्षरता है, मुसहर टोली, डोम टोली में लगातार परंपरागत रूप से शराब बनाना, बेचना, पीना ये लोग अपना अधिकार जताते रहें। सो हमारा प्रयास रहा कि इन सब से इनको अलग करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी अपनाया जाए, किया जाए। उसी तहत जो है इन क्षेत्रों में जाके मेरे द्वारा लोगों को बताया गया, इससे पहले कई कार्रवाई हुई हैं, केसेस हुआ है, लोगों को जेल भेजा गया है, बावजूद इसके लोगों का बनाना पीना कम नहीं हो रहा था। ऐसे में मेरे द्वारा वहां के स्थानीय प्रतिनिधि, बुद्धिजीवियों,
खासकर छात्रों जीविका दीदियों को साथ में लेके प्रभात फेरी वगैरह करके जो है उनको काफ़ी समझाने का प्रयास किया गया, जिसका अब सकारात्मक जो है प्रभाव पड़ रहा है। लोग अब जो है पुलिस का सहयोग कर रहे हैं, पुलिस को सूचना दे रहे हैं, गांव में जो भी पी के आ रहा है या बना रहा है तो उसके बारे में खबर की जा रही है, उस पर कार्रवाई भी हो रहा है और बराबर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, सचेत भी किया जा रहा है। और इसका एक उदाहरण रहा हमारे क्षेत्र के पुराना और मर्दापुर टोला, जहाँ मुसहर टोली है, लोग परंपरागत रूप से इसको बनाते पीते बेचते आ रहे थे। आज के समय में वहाँ एक भी घर में शराब नहीं बन रहा है, लोग पूरी तरह जो है पुलिस के सहयोग में हैं, सपोर्ट में हैं, सूचना देते हैं और फिर उस पर कार्रवाई होती है। और पुलिस के साथ अब स्वयं गांव के लोग भी वैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि शराब बनाना, बेचना, पीना, रखना ये अपराध है। सर आज कहाँ आप जागरूकता अभियान कर रहे हैं? अब आगे सप्ताह में 2 दिन हमने निर्धारित किया है किसी न किसी पॉकेट में जाके, जहाँ पे शराब के बनाने पीने की सूचना ज़्यादा आती है तो वहाँ हम जाते हैं। अगला पड़ाव हमारा जो है सरामे रहेगा, खुरमाबाद रहेगा, फिर से ललित बस स्टैंड रहे। कौन सुन रहा? जोर से बोलो। पास का चिल्ला के सब को सुनाई दे। सुन ले। बिहार उत्पाद मंत्री निषेध। बिहार उत्पाद मंत्री निषेध से संबंधित अधिसूचना 2016 शराबबंदी जागरूकता अभियान नशा मुक्त बिहार स्वस्थ बिहार मुफस्सिल थाना सिवान जिला। जैसा कि आपने बताया उद्देश्य स्पष्ट है, नशा मुक्त बिहार और स्वस्थ बिहार। और नशा मुक्त कब होगा? जब शराबबंदी सफल होगा। ठीक है, आने का उद्देश्य स्पष्ट है आप सबको। ये हमारे थाने स्तर से, आपके थाने स्तर से ये एक पहल है और वो ये पुलिस लोगों के पास जाए, उनके दरवाजे पे जाए, उनको बताए कि आप जो कर रहे हैं उसका कितना गंभीर परिणाम होगा। अभी नहीं, बाद में समझ। जो लोग कहते हैं कि